غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। औराल को उसकी सजा मिलेगी, लेकिन अभी उस पर रहम करने का वक्त है। मैं चाहता हूं ये रात वो अपने कबीले में गुजारे। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। बादशाह ने नया जमींदार तैनात कर दिया है मुझे। कोपैक मुझसे नाराजगी और मेरी मुखालिफत में किसी से भी इत्तेहाद कर सकता है वालिदा। अगर कोई शह जमीन पर उस सजा को रोक सकती है तो वो किताब है और तुम हो पेट्रोस। तुम याद रखना, चावदार की सरदारी के लिए आप भी उम्मीदवार होंगे। दवा हो जाओ, अपनी आखिरी रात सुकून से गुजारने दो मुझे। अपने सियाह करतूतों को देखते हुए आज की शब के बजाय आखिरत में जहन्नुम के अजाब के बारे में सोचो औराल। उन मासूम लोगों के बारे में सोचो जरा, जिन मासूमों के वालिदैन, बहन भाई, औलाद और बीवियों को मार डाला। सोचो ताकि ये ना भूल सको कि तुम यहां क्यों हो आज। सोचो कि तुम्हारी चंद सांसें क्यों बाकी रह गई हैं। मेरी सांसें क्यों बाकी हैं मैं जानता हूं अर्तुरुल, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अब तक खत्म नहीं किया। जब तक मैं तुमसे इंतकाम नहीं ले लूंगा ये सांसें बाकी रहेंगी। मेरा जमीर मुतमईन है, अपने बारे में क्या कहोगे? जमींदार को मैंने नहीं मारा, जब तुम जान जाओगे और ये भी जान जाओगे कि तुम्हारे इल्जाम सच नहीं थे तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? मैं हर एक सांस लेते हुए भी गौर करता हूं औराल, बगैर सबूत किसी को भी मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता मैं। इंसाफ से इनहिराफ करने वाले तुम जैसे होते हैं जो गफलत में पड़े रहते हैं। मैं अदल व इंसाफ को बचाने वाला अल्लाह का एक अदना खिदमतगार हूं। अगर तुम खुद को खिदमतगार समझते, जान जाते कि यह दुनिया फानी है, तो मासूम और बेगुनाह लोगों के बजाय अपने गुस्से और लालच को दफन करते। तुम यहां मुझे नसीहत करने आए हो या फिर अपनी फतह का जश्न मनाने आए हो?
अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं घुटनों पर झुककर अपने तुमसे माफी मांगूंगा तो कयामत तक इंतजार करना होगा। मेरे कबीले को अपने बस में करने के लिए सब कुछ कर लिया तुमने, मेरे बाबा को और मेरे भाई को छीन लिया मुझसे, और अब मेरी जिंदगी भी छीन लोगे, और क्या चाहिए तुम्हें? दफा हो जाओ। ना तो यहां तुम्हें नसीहत करने आया हूं और ना तुम्हारी माफी की दरखास्त सुनने, तुम अपने कबीले जा रहे हो। मतलब क्या है? तुम्हारे बाबा के जनाजे में तुम्हारी शिरकत जिम्मेदारी है मेरी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कबीले में गुजारो ये रात, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर कबूल किया जाएगा इसे। दुआन। क्या हाजिर हो सकती हूँ अमीर सादतीन? आ जाइए असलेहान खातून। आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। एक दरखास्त करनी है आपसे। अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो मैं जरूर पूरी करूंगा। जानती हूँ अमीर सादतीन, लेकिन आप मेरे भाई को इस इल्जाम से नहीं बचा सके क्योंकि ये आपके इख्तियार में नहीं था। मगर एक चीज आपके इख्तियार में है, अर्तुरुल ने जो किया उसका इंतकाम लीजिए। देखो असलेहान, अदालत और रियासत को हम अगर मजबूत देखना चाहते हैं तो फिर जिंदगी के हकायक के सामने हमें अपना सर तस्लीम खम करना होगा। उराल को बचाने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं, अगर होता तो मैं उसे जरूर बचा लेता। और अब तुम चाहती हो कि मैं अर्तुल से इंतकाम लूं इस बात का। आला, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपने बाबा और भाई को खो देने का दुख है, मैं समझ सकता हूँ। अमीर सादतीन, अगर ये सारे मामलात उसूल और कानून के तहत होते तो मेरा भाई मेरे बाबा दोनों साथ होते, लेकिन अर्तुरुल को ना उसूल की परवाह है ना ही कानून की, ये सब उसने धोखे से किया है। तुम्हें अपने कहे अल्फाज का अंदाजा भी है असलेहान। तुम चाहती हो कि सलजूक सल्तनत का अमीर धोखा करके तुम्हारी जानिब से इंतकाम ले। हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं अमीर सादतीन? अगर आप चाहते हैं कि हमारी शादी हो और मैं एक वफादार बीवी बनकर रहूं तो इसके लिए इंतकाम लेना जरूरी है। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं अमीर हजरत। कारा जयसार के लिए से मक्तूब आया है। तैयारी करो, काराजेसार के किले जाना है हमें। जैसा आपका हुक्म।
आइए चतुर्यान उस्ताद। कहिए भाई, आपने बुलाया था मुझे? हम आपके काम से बहुत खुश हैं चतुर्यान उस्ताद। आपकी अब तक की कोशिश और मेहनत से सबको इंतहाई खुशी नसीब हुई है। अब आपसे एक और काम की दरखास्त करता हूं मैं। दरखास्त? कैसी दरखास्त भाई, आप मुझे हुक्म कीजिए। लेकिन थोड़ा खतरनाक काम है ये, कबूल करना ना करना आपका इख्तियार है। मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं अर्तुरुल भाई। शुक्रिया। काम यह है कि कारा जैसार के किले जाना होगा आपको। वहां आप एक दुकान खोलेंगे, लेकिन दुकान खोलने का मकसद तिजारत करना हरगिज नहीं, किले पर नजर रखना है। कौन आता है और कौन जाता है उस किले में, उन सब लोगों पर नजर रखना होगी। दुमरुल आपका साथ देगा इस काम में। किले से हासिल होने वाली तमाम मालूमात काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी होंगी। अब मुझे बताइए हाजा दुर्यान उस्ताद, इस मुश्किल जिम्मेदारी को निभाना चाहेंगे आप? अर्तुरुल भाई, अगर आप ना होते तो मैं तो कब का मारा जा चुका होता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, हक अदा नहीं कर सकता आपका। हाजा तुरियान की जिंदगी आपकी राह पर चलते हुए कुर्बान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हाजा तुरियान उस्ताद, बहुत शुक्रिया। वक्त जाया किए बगैर इस सफर का आगाज कीजिए। कारा जैसार के किले जाइए, आसपास की दुकानों का जायजा लीजिए और बताइए कि क्या इंतजाम करने हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर भाई। अल्लाह मदद करे। आपने भाई से वादा किया था, बहुत हो गया, संभालिए खुद को, अपनी औलाद के बारे में सोचिए। अगर मैं अब तक जिंदा हूं तो वो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से जिंदा हूं, लेकिन कब तक ये दर्द सह पाऊंगी नहीं जानती मैं। अंदर आ सकता हूं चोलपान खातून? आ जाओ। सिपाही और आल साहब को यहां लेकर आए हैं। तो इस बार तुम मेरा इस्तकबाल किले के नए जमींदार की हैसियत से कर रहे हो। मुझे तो अब खुद पर भी शुबा होने लगा है। अमीर सादतीन को कैसे सब बातों का इल्म हो जाता है, ये सोचकर मैं बहुत हैरान हूं। अजीम रियासतों का यही काम होता है वेसिलियस, मालूमात अहम ताकत होती हैं। हकीकत तो यह है कि इंसान को खौफ ज़दा होना चाहिए अपनी लाइल्मी से। ताहम कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं। मसलन सलजूक रियासत के
अमीर को मकतूब लिखकर इतनी दूर से यहां बुलाने का मकसद क्या है, ये जानना चाहता हूं मैं। सब कुछ बताता हूं अमीर सादतीन। आपको आपकी पसंद का शरबत पेश करना चाहता हूं मैं, खास आपके लिए बनवाया है, उम्मीद है पसंद आएगा। शायद आपने मेरी पेशकश ठुकरा दी है। शरबत मैं बहुत पी चुका, यह बताओ कि मुझे क्यों बुलाया है यहां। उराल की जिंदगी चाहते हैं जानता हूं मैं, जानदार साहब की मौत के बाद जितनी ये आपकी ख्वाहिश है उतनी मेरी भी है। अगर आलियार सरदार बन गया तो अर्तुरुल और मजबूत हो जाएगा और हमारे लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। यानी सुकून दाव पर लगा है अमीर सादतीन। जो मुझे पहले ही मालूम है वही सब बताने के लिए बुलाया है तुमने, असल बात क्या है? उराल बेकसूर है, उसने जमींदार को कत्ल नहीं किया, यानी आपको यह सजा रुकवानी है। यह बात भी मैं पहले से जानता हूं वैसिलियस। तुम अजीम सलजूक रियासत की अदालत को अपनी खुद मुख्तार रियासत की अदालत में पेवस्त कर रहे हो गालिबन। हम बगैर किसी सबूत के ना तो हुक्म देते हैं और ना ही उसे बदलते हैं। आप कितना एहतराम करते हैं अदालत के हुक्म का जानता हूं मैं, बखूबी जानता हूं। मैं सबूत फराहम करूंगा आपको इसके लिए। लास्कर इससे मैंने अपने तरीके से तफ्तीश की है, जानते हैं मुझे क्या पता चला? यह पूरा मंसूबा सलीबियों ने बनाया था। सलीबियों ने? क्या कहा, सलीबियों ने? जी हां, सलीबियों ने। उन्होंने हमें और तुर्कों को अंदर से तोड़ने के लिए बहुत से जाल बिछाए, जिनमें से एक ये था, जमींदार को मार के उसका इल्जाम उराल पर लगवा दिया। तो इस कहानी को सच साबित करने के लिए तुम्हारे पास सबूत भी होगा यकीनन। सबूत? ये रहा, सिमोन की दस्तावेज है ये। सलीबियों के बारे में सब कुछ इसमें मौजूद है। कहां से मिल गई तुम्हें ये? जहां से ये आदमी मिला पेट्रोस, इसने भेस बदला हुआ है, ताजिर हसन के नाम से बहुत मशहूर है ये, ढूंढ निकाला मैंने। तो इसने एतराफ कर लिया क्या? हर राज उगल दिया है इसने मेरे सामने। काई के भेस में काफले पर हमला करके अफसर आला को मारने वाला यह पेट्रोस ही था। हेलेना भी इसको देखते ही फौरन पहचान लेगी और अर्तुरुल भी।
क्या आपकी अजीम अदालत के लिए यह सबूत काफी नहीं होगा अमीर सादती? क्या कहा था मैंने, तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना है। उराल की जौजा बहुत मजबूत है। अर्तुरुल भाई ने इसे यह रात अपने कबीले में गुजारने के लिए भेजा है ताकि अपने प्यारों से मिल ले। صدق الله العظيم परेशान मत हो अलियार, जल्द चला जाऊंगा मैं और सजाए मौत भी दे दी जाएगी मुझे। लेकिन तुम्हें यह दिन याद रहेगा अलियार। बाबा को तुमने जितनी भी तकलीफें दी हैं उन्हें तुम कभी फरामोश नहीं कर सकोगे, सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। तुमने जिस अदालत को बचाया है उस पर और तुम पर लानत हो। वो मेरे भी बाबा थे भाई, लेकिन ये सब बातें करने की ना ये जगह है ना वक्त। अब बात करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब इसका आखिरत में हिसाब होगा। मैं वहां तुमसे पहले पहुंचूंगा, लेकिन तुम्हें भी वहीं पहुंचना है आखिर। और फिर उस वक्त एक जानिब मैं खड़ा होऊंगा और दूसरी जानिब बाबा खड़े होंगे, ना तुम इस दुनिया में और ना उस दुनिया में कहीं भी सुकून से नहीं रह सकोगे आलियार। हिसाब उन लोगों को देना पड़ता है जो अपने आमाल की परवाह नहीं करते दुनिया में। भाई कौन सही है और कौन गलत है ये मेरा अल्लाह ही जानता है। खुशामदीद दुर्गुत। बहुत शुक्रिया अलियार भाई। भाई को यहां लाने का शुक्रिया। अल्लाह तुमसे राजी हो दुर्गुत। अल्लाह अर्तुरुल भाई से राजी हो अलियार भाई, वरना मैं तो अब तक। मैं जानता हूं दुर्गुत, बहुत गुस्से में हो तुम। अब आप क्या करेंगे अलियार भाई? जानदार साहब गुजर चुके हैं, उराल भी जल्द अंजाम को पहुंच जाएगा। कबीले का सरदार कौन होगा? बाबा की तदफीन के बाद कबीले का सरदार मुंतखब किया जाएगा इंशाअल्लाह। अर्तुरुल भाई और हम सब जावदार कबीले के साथ मुत्तहिद रहना चाहते हैं और इसे आप ही मुमकिन बना सकते हैं। सरदार आपको बनना चाहिए।
पापा, पापा, आप मेरे गम में दुनिया से चले गए। आपने हमेशा अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी और वकार के साथ ही इस दुनिया से गए। अल्लाह शाहिद है, मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। माफ कर दीजिए, जाओ कुतलूजा। क्या कर रहे हो तुम अब तक यहां? कुतलूजा, दूसरे सिपाहियों की तरह सुबह तक अपने फराइज अंजाम देगा, इसलिए हां मुदाखलत ना करो। मेरे भाई को तुम इन कातिलों के हवाले कर दोगे आलियार? लेकिन मुझे हैरानी नहीं है, अपने भाई को अजियत देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। असलेहान, इन लोगों को मैं यहां नहीं देखना चाहती। निकल जाओ मेरे बाबा की औताक से। असलेहान खातून, औराल मेरी निगरानी में है। तुर्गुत, कबीले में मेरा मेहमान है असलेहान, हद में रहो अपनी। सजा किस वक्त दी जाएगी तुर्कुत? सजा तदफीन के बाद दी जाएगी। बंसी बैरे, बंसी, खुशामदीद, खुशामदीद भाई, शरबत लाता हूं आपके लिए। रुको बंसी, रुको, नहीं चाहिए शरबत। क्या हुआ है तुम्हें? क्या 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 हुआ है मुझे भाई? लगता है तुम्हारा दिमाग कहीं और है आजकल। बिल्कुल भाई, सही कह रहे हैं आप, माजरत चाहता हूं मैं। खैरियत तो है, आखिर किस बात से परेशान हो? हेलेना के बारे में सोच रहे हो? भाई भाई, आप तो मुझे जानते हैं, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ भाई। बहुत समझाया खुद को, अपने आप को मारा भी मैंने भाई। भाई भूखा भी रहा हूं मैं, और उसके बाद ज्यादा खाना खा के भी देखा, लेकिन चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ भी कह लूं मैं, वो दिल से निकलती ही नहीं है भाई। मोहब्बत पहले अक्ल पर और फिर यहां दिल पर हमला करती है, और जब दिल में समा जाती है तो फिर इससे नहीं निकलती बाहर। भाई आप तो सब जानते हैं भाई, कुर्बान जाऊं आपके, आप बताएं क्या करूं मैं। सबसे पहले तो सब्र करना है बंसी। हाँ, और उसके बाद भाई? उसके बाद ये जो आग तुम्हारे दिल में रोशन है, इसे उसके दिल में रोशन होने का इंतजार करना होगा। अगर वो भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो कोई रुकावट नहीं आ सकती तुम्हारे दरमियान। यानी भाई, मोहब्बत करने वाले कभी जुदा नहीं होते ना? नसीब की बात है बंसी, नसीब की। चलो अब संभालो अपने आप को, अगर इस हाल में जंग लड़ोगे तो मारे जाओगे। शाबाश, संभालो खुद। सही कहा भाई, सही कहा। जैसा आपका हुक्म, आपका हुक्म सर आंखों पर। खुश रहे भाई आप। बंसी बैरिक, संभालो अपने आप को, अब तुम्हें अपनी समझदारी से और सब्र से काम लेना होगा। जो आग तुम्हारे दिल में है, हेलेना के दिल में भी रोशन होगी। बंसी बैरिक,
फिर हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। भूख लग गई मुझे तो, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। या मेरे रब, मैं बेखौफ दिलों से, ना कबूल होने वाली दुआओं से, जाहिर और ना जाहिर होने वाले दुश्मनों के शर से तेरी पनाह चाहती हूं। या अल्लाह, जिन्हें दोस्त समझा हमने अपना, वही दुश्मन निकले हमारे। मेरे बेटे और कबीले को साजिशों का शिकार बना दिया। या रब, उन मक्कार लोगों की मखरू चालों को उन्हीं पर पलटा दे। हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की हमेशा तौफीक दे। या अल्लाह, मेरी औलाद को और तेरी राह में जिहाद करने वाले तमाम सिपाहियों को फतह से हमेशा हमकिनार करना। तू ही बेशक हर दुआ को सुनने वाला है और हर दुआ को कबूल करने वाला है। वास्ता है तुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा मेरे रब। आमीन। आ जाओ बेटा। अल्लाह दुआएं कबूल करे। आमीन। खैरियत तो है वालिदा? लगता है आपको नींद नहीं आई। नींद तो जैसे सुलेमान शाह के साथ ही रुखसत हो गई थी बेटा। कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा, मैं पलक भी नहीं झपकाती। मुझे लगता है तुम भी सो नहीं पाए बेटा। मैं तो एक अरसे से नहीं सो पाया हूं वालिदा। मेरी सोचों का महवर सिर्फ हमारी किस्मत है, लेकिन जब भी मैं किसी जालिम को आग में फेंकता हूं, दूसरे भी उस आग में जल जाते हैं। जानदार साहब, उनकी मौत बेटा इसी तरह मुकद्दर थी। उनकी मौत का सबब उनका बेटा बना। अफसोसनाक बात है। अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। आमीन वालिदा, आमीन। मेरे बच्चे, मायूस कभी मत होना। तुमने अपना हर काम अल्लाह की रजा के लिए किया है। इंसाफ को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत की है तुमने, मैं गवाह हूं इस बात की और अल्लाह भी शाहिद है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मां कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। यकीन रखो, मैं अपने खून से, अपनी जान से हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अगर आज मैं मजबूती से खड़ा हूं तो यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है वालिदा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तुम्हें भी मेरे बेटे, तुम्हें भी। अल्लाह रहमत नाजिल करे, जन्नत में आला मकाम है उनका। अल्लाह मगफरत करे उनकी और आपको सब्र जमील अता करे। शुक्रिया। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। आमीन। बहुत अफसोस हुआ। वक्त हो गया है उराल, चलो और इस मामले को खत्म कर दो हमेशा के लिए। Thank you.
चालपान, जो मैंने कहा उसे भूलना मत। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। असलेहान, अपनी भाभी का ख्याल रखना। भाई, तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा मैं। अलियार, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दुआ नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत दुआएं हैं आपके लिए भाई। उराल, संभालिए खुद को। आपके लिए शरबत तैयार किया है साहब। मुश्किल हालात में राहत मिलेगी आपको। ख्याल रखने का शुक्रिया, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारी मोहब्बत भरी निगाह मुझे राहत देने के लिए काफी है। इस मोहब्बत से कभी महरूम न करना तुम मुझे। मेरी आंखें हमेशा आपको देखने के लिए आमादा रहती हैं अर्दुर। आप जब ऐसे देखते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे मेरे बच्चे और मुझे इस दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। तुम्हारे लिए मेरा प्यार पहाड़ों की तरह अजीम और दरियाओं की तरह बेकनार है। पुल सिरात पर खड़ा हुआ हूं मैं हलीमा, या गिर जाऊंगा या पार कर जाऊंगा। दोनों ही तरफ भरपूर दुश्मन है मेरे, लेकिन जब कभी मेरी सांसें रुकने लगती हैं तुम्हारा तसव्वुर करता हूं, तुम्हारा, गुंदोस का और इस आने वाले मेहमान का। तुम लोगों से है मेरी जिंदगी। जब ये मुश्किल दूर हो जाएगी तो मिलकर सुकून का सांस लेंगे अर्दुर। मासी की तरह खुले मैदानों में घोड़े दौड़ाया करेंगे। आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, यकीनन थक गए होंगे, हमारी याद भी सताती होगी। आपको इसका सिला जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है। और फिर वो वक्त भी आएगा जब लोग अर्दुरुल सरदार की दास्तान सुनाया करेंगे। आज के दिन आपको बहुत काम है, चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। आप मुझे हर वक्त अपने साथ पाएंगे जनाब, अगर और किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। और क्या जरूरत होगी अलीमा, तुम आई, मुस्कुराहट दी मुझे, मेरे दिल को तकवीयत दी, और नहीं चाहिए कुछ। ये है वो दूसरी दुकान जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था।
अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी दूसरी दुकान से थोड़ा फासले पर है ये, मगर अभी इससे काम चल जाएगा। क्या कोई तहखाना भी है यहाँ पे? जी बिल्कुल, चलिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना मौजूद है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोहतरम, आप यहाँ क्या कारोबार करेंगे? क्या तुमने मशहूर ताजिर एल्विन का नाम कभी भी नहीं सुना क्या? नहीं जनाब, मैंने तो नहीं सुना। तो फिर मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं, अब तुम मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। मैंने पूरी दुनिया देखी है, मुख्तलिफ मुल्कों से अच्छी अच्छी मसनूआत खरीद कर लोगों को बेचता हूँ। सब लोग जानते हैं मुझे, लोगों को खुश करके मैं सोने के सिक्के कमाता हूँ। अब मुझे जल्दी से बताओ, इस दुकान का मालिक कौन है? ये दुकान किराए पर लेने के लिए किससे मिलना पड़ेगा? जनाब, अगर आपको ये दुकान पसंद आ गई है तो फिर मैं इस जगह के लिए किसी और से बात नहीं करूँगा। मैं आपको इस जगह के कागजात दिखा देता हूँ, आप हेलेना खातून के पास जाकर उनसे बात कर लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है, फिर चल के हेलेना से मिलते हैं। तो इंतजार किस बात का, चलिए। ऐसी भी क्या जरूरत थी जिरका बुलाने की? अपने इरादे से आगाह फरमाएंगे आलियार साहब। जमींदार के कत्ल का और आल साहब पे झूठा इल्जाम लगाया गया, ये बात साबित हो चुकी है। ये हुक्म देकर मेरी नजर में आप इंसाफ को मुअख्खर कर रहे हैं काजी साहब। और आल भाई को काजी साहब ने जमींदार के कत्ल के इल्जाम में बरी कर दिया है। हम तैयार रहेंगे, तुम जिस वक्त भी इशारा करोगे हम उसी वक्त पेशकदमी कर देंगे।